और जो आज दे हालात में ऑपोजिशन दे अकाली दल आ रहे थे, मेरा ख्याल इन्ने माड़े है कि शायद कोई और एक पार्टी होने में चाहे तो वो चौथे नंबर की पार्टी बन के हमेशा अकाली दल बादल चलना चलना है। सो ये भी एक अस्तीफा देना भी एक चाल का हिस्सा है। शायद अस्तीफा दिता है तो सानू किसान भरावां नूं ये लोग प्यार करते नहीं, अगर प्यार करते होंगे तो इन लोगों ने उस ऑर्डिनेंस से साइन नहीं करने से, क्योंकि तो अगर दिल च दर्द होता किसानों के प्रति तो इन्होंने पहले दिन एक गल कहनी सी कि असी इस ऑर्डिनेंस का विरोध कर रहे हैं और मैं बतौर केंद्रीय मंत्री बादल परिवार की नूह होने के नाते और केंद्रीय मंत्री होने के नाते मैं इस ऑर्डिनेंस से साइन नहीं करांगी, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस किसान विरोधी ऑर्डिनेंस है। अचनचेत यू टर्न दे आदि ने सरदार सुखबीर सिंह बादल जिन्हों देखिया कि नहीं किसान की किसी गलते तसली नहीं है, रोस वधदा जा रहा है, जिन्हों इन्होंने अपने ने कहा कि नहीं ये बहुत ही खतरनाक, क्योंकि पहले ही असी बहबल कला कांड घिरे हुए हैं, सानू सिख पंजाबी जिहड़ा किसान है जां पंजाबी है वह सानू पसंद नहीं करता। सो हुण जिहड़ा मोटे किसान थोड़ा मोटा साढ़े नाल कोई पुराना जुड़िया सी वह भी टुट जाएगा, तो इन्होंने वेख्या कि बहुत ज़्यादा रोस वध रहा है तो अचनचेत यूटर उत्थे भाषण दे के अस्तीफा देना सोची समझी साजिश है। सुखबीर बादल जी ने कहा कि असी रिश्ता एनडीए तो नहीं तोड़िया, जानी कि साडा अलायंस कायम है, तुसी मंत्री दे अहुदे तो अस्तीफा देता लेकिन एनडीए तो समझौता नहीं तोड़िया, फिर थोड़ी कहनी ते कथनी च फर्क है, जे समझौता नहीं तोड़िया तां तुसी ते भाजपा फिर रल के चुनाव लड़ोगे। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल दे अस्तीफे ते कांग्रेसी विधायक राजा वड़िंग ने प्रतिक्रम दिंदिया श्रोमणी अकाली दल नूं निशाने ते लिया है। राजा वड़िंग ने हरसिमरत बादल दे अस्तीफे नूं सोची समझी साजिश करार दिता है, नाल ही उन्हां अकाली भाजपा गठजोड़ नूं लै के भी श्रोमणी अकाली दल नूं घेरिया है। सत श्री अकाल दोस्तों, की हाल है, ठीक ठाक हो? माफ़ी, फोन की बैटरी चार्ज करनी भुल गया सी दोस्तों, 10 मिनट लेट आ। अज आपां गल ऑर्डिनेंस ते करन वाले सी, लेकिन हुण ऑर्डिनेंस ते गल आपां कल करांगे कि ऑर्डिनेंस की है ते इहदे विच की नुकसान हो सकदे ने किसानां लई और साडे लई। दोस्तों सब तो पहला तो मैं तुहानू दसना चाहुंदा कि मैं किसान हाँ, फिर मैं एक MLA, सो जिथे किसानां दी गल आउंदी है उत्थे साडा सब दा फर्ज बनता है कि असी तकड़े होके किसान भरावां दी ते अपनी लड़ाई लड़िए। अज मैनूं बड़ी हैरानी हो रही है कि हरसिमरत कौर बादल जी ने अपना अस्तीफा दिता, वो इस करके दिता है कि मैं शायद जिहड़ी कि जो हालात बनते जा रहे सन पंजाब के अंदर, क्योंकि पहले ही 17-18 सीटा के नाल तीजे नंबर की पार्टी है और जो अज के हालात ने ओपोजिशन दे अकाली दल आ लेंदे, मेरा ख्याल इन्ने माड़े है कि शायद कोई होर एक पार्टी होंद में आए तो वो चौथे नंबर की पार्टी बन के रह जाए, आपकी होंद नूं बचाउण वास्ते आप नूं बचाउण वास्ते उन्होंने मैनूं लगता कि पहला की तरह, क्योंकि हमेशा अकाली दल बादल चलना चलना है। सो ये भी एक अस्तीफा देना भी एक चाल का हिस्सा है। दोस्तों मैं तुहानूं याद करवाना चाहुंदा क्योंकि कई वारी लोग भुल जाते हैं तो उन्होंने लगता है कि शायद अस्तीफा दिता है तो सानू किसान भरावां नूं ये लोग प्यार करते नहीं, अगर प्यार करते होंगे तो इन लोगों ने उस ऑर्डिनेंस से साइन नहीं करने से,
क्योंकि अगर दिल च दर्द होंदा किसानां दे प्रति तां इन्हां ने पहले दिन ही गल कहनी सी कि असी इस ऑर्डिनेंस का विरोध करदे हां और मैं बतौर केंद्रीय मंत्री बादल परिवार की नूंह होण दे नाते और केंद्रीय मंत्री होण दे नाते मैं इस ऑर्डिनेंस ते साइन नहीं करांगी क्योंकि ये ऑर्डिनेंस किसान विरोधी ऑर्डिनेंस है। चलो जी ऑर्डिनेंस आ गया, किसानों ने धरना लाए, लोगों को थोड़ी मोटी समझ आई। जो धरना लाया मैं याद है बादल पिंड च धरना लग्या तो जाके उत्थे सुखबीर सिंह बादल होर ने तसली भी दवाई कि ऐसी कोई गल नहीं है, ये तो कांग्रेस पार्टी बेवकूफ बना रही है लोग, ऐसी कोई गल नहीं है, ये ऑर्डिनेंस किसान विरोधी नहीं है। फिर उन्होंने लाइव किया बादल पिंड चो, तुहानू याद होने, फिर उन्होंने लाइव होके ये गल कही कि मैं इस ऑर्डिनेंस से किते नहीं लिखिया कि ये जिहड़ियां गल्लां दा शंका पाया जा रहा है खदसा है लोगों को किसानों को वो बिल्कुल नहीं है, मेरी गल हो चुकी है, मैं सब नाल गल चुक कर चुके हैं, केंद्रीय मंत्री नाल गल चुके हैं कर चुके हैं, अमित शाह नाल गल कर चुके हैं, ये उन्होंने आप दे बयान दे विच क्या उस लाइन हो। फिर तुसी देखिया होना कि चंडीगढ़ दे विच केंद्रीय मंत्री आए तसली दवाने से कि बिल्कुल डरो ना, तुसी चिंता ना करो, किसी गल की परवाह ना करो, असी कुछ ऐसा नहीं करांगे जिहदे नाल किसान ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਲੱਗੀ, ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। लेकिन अचनचेत सुखबीर सिंह बादल का यूटर जिवें दिल्ली च क्या गया सी कि असी इन्हां नाल इन्हां दी मदद नहीं करांगे, तो फिर अमित शाह ने जो सद्या तो उन्होंने कहा कि नहीं असी समर्थन करते हैं। सो ये अचनचेत यूटर्न दे आदि ने सरदार सुखबीर सिंह बादल यूटर्न मारिया। अज दी जिहड़ी कल डिबेट कीती तो उत्थे कहा कि ना अकाली दल नूं पुछिया ही नहीं गया, तुसी देखो पहला वो कह रहे हैं मंत्री सद लिया गया, बादल साहब ने समर्थन करता, उन्होंने कहा कि मेरी अमित शाह ना गल होगी, केंद्रीय मंत्री ना गल होगी, फिर एक चिट्ठी भी जारी होंदी है केंद्रीय मंत्री वालों जिहड़े पोस्टर बना के पिंडां दे विच लाए जाते हैं कि बिल्कुल चिंता ना करो, पोस्टर बने बकायदा, जिन्हों देखिया कि नहीं किसानां दी किसी गल ते तसली नहीं है, रोस वधदा जा रहा है, लोग किसान बादल पिंड वल कूच कर रहे हैं, जिन्हों इन्होंने अपने ने कहा कि नहीं ये बहुत ही खतरनाक क्योंकि पहले ही असी बहबल कला कांड के घिरे हुए हैं, सानू सिख पंजाबी जिहड़ा किसान है जां पंजाबी है वह सानू पसंद नहीं करता हुण, सो हुण जिहड़ा मोटे किसान थोड़ा मोटा साडे नाल कोई पुराना जुड़िया सी वह भी टुट जाएगा, तो इन्होंने वेख्या कि बहुत ज़्यादा रोस वध रहा है, तो अचनचेत यूटर उन्होंने अज ये गल कही सोशल मीडिया से, तुसी देखिया होना सुखबीर बादल जी ने कहा कि सानू इस ऑर्डिनेंस के बारे जानकारी नहीं, सानू अकाली दल नू कॉन्फिडेंस दे विच नहीं ले गया, लिया नहीं गया ऑर्डिनेंस बारे, सो अज ही उन्होंने ये गल कही। सो अचनचेत अज शाम नू उत्थे भाषण दे के अस्तीफा देना इस सोची समझी साजिश है और केवल अस्तीफे नाल गल नहीं बनेगी, तुसी दोषियों की क्योंकि तुसी ऑर्डिनेंस ते साइन कर चुके हो, ये अस्तीफा तुसी आपकी मर्जी नाल नहीं दिता हरसिमरत कौर जी, ये अस्तीफा किसान भरावां दी उस एकता दा सबूत है जो उन्होंने लड़ाई लड़न दा मन बना लिया, उन्होंने सड़कां ते आउण दा मन बना लिया, ये अस्तीफा बादल पिंड बैठे उन्हां किसानां दे रोदा तुसी डरदिया ने अस्तीफा दिता है, ना कि मनो अस्तीफा दिता है, तुसी गल करके आए हो नरेंद्र मोदी जी नाल कि चुनाव तो बाद असी दोबारे फिर तुहाडे नाल शामिल हो जाएंगे,
ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਂਦ ਬਚਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਨਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਫਿਰ ਰਲ ਕੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜੋਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਲ ਕੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸਤੀਫਾ ਮੈਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਲਾਇੰਸ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਰੋਲ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਅਲਾਇੰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਕਾਂਡ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਰ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਲੋਕ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਅਲਾਇੰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਛੱਡੋ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਸੂ ਵਹਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਆਂਸੂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਗਰਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੇਵਲ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਔਰ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਸੇ ਚਾਲ 'ਚ ਨਾ ਆਇਓ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।